नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पीसीसी मसीह समाज से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने नाम अरबों की संपत्ति के घोटाले, धोखाधड़ी, अवैध रूप से जमीन हस्तांतरण करने जैसे कई मामले जुड़े हुए हैं। इस बात की जानकारी लगातार अपने सम्मान के हरण का खतरा उठाते हुए पूरे साक्ष्य समेत हमारे चैनल द्वारा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इतने बड़े स्तर में आपराधिक कृत्यों को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं। कहीं यही कारण तो नहीं कि पीसीसी से मसीह समाज के आधे से ज्यादा लोग खौफ खाए बैठे हैं और अपने हक के लिए लड़ना तो दूर आवाज उठाने तक से कतराते हैं। ऐसे में यह कहना निरर्थक नहीं होगा कि जिस तरह देश के लिए दाऊद इब्राहिम है, वैसे ही मसीह समाज के लिए है पीसीसी। बहरहाल, पीसीसी द्वारा इस तरह के कृत्यों को हमारे चैनल द्वारा लगातार प्रसारित किया जा रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खबरों को संज्ञान में लेते हुए पीसीसी पर शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 25 एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि बिशप जॉन अगस्टिन ने इनके खिलाफ 64 एफआईआर दर्ज होने की बात कही है, लेकिन फिलहाल पीएमओ ऑफिस में इसके खिलाफ 25 एफआईआर की जानकारी ही दर्ज है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से डिप्टी सेक्रेटरी केबी वाढ़ते, मध्य प्रदेश से डिप्टी सेक्रेटरी पीएसएल सेल, राजस्थान से ओम प्रकाश वर्मा, उत्तर प्रदेश से ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार दुबे, दिल्ली से सहेली घोष राय के साथ साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग सचिव और गोपन शाखा के उच्च स्तर के अधिकारियों का गठन कर पीसीसी के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीसीसी के जांच के आदेश पर कितने खरे उतरते हैं अधिकारी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आईटीवी 24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।